The God's Palace Resort, Ganga Facing Restaurant, Party House, Destination Wedding, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ। मेरठ में हसनापुर क्षेत्र के गांव फतेहपुर प्रेम में एक व्यक्ति के घर के अंदर मगरमच्छ घुस गया। मगरमच्छ की मोटाई ज्यादा होने के कारण घर के गेट में ही फंस गया, जिसकी भनक परिवार के लोगों को लगी तो हड़कंप मच गया। वहीं मामले की सूचना वन विभाग के अधिकारी और थाना पुलिस को दी गई। इसके बाद करीब रात 12 बजे पहुंची टीम ने मगरमच्छ को घर से रेस्क्यू कर गंगा में छोड़ा। बता दें, खादर क्षेत्र के गंगा किनारे स्थित फतेहपुर प्रेम गांव से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर हरिपुर जाने वाले रास्ते पर बाबा बूटा सिंह का डेरा है, जहां पर वे कई वर्षों से अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। सोमवार को दीपावली होने के चलते उन्होंने शाम को त्योहार मनाया और करीब 10 बजे घर में जाकर सो गए। इसी बीच गंगा से एक बड़ा मगरमच्छ निकलकर घूमता हुआ उनके घर में घुस गया। इस दौरान वे घर के मुख्य दरवाजे में फंस गया, जिसके बाद उसने हुंकार भरी तो परिवार के लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं भयभीत बाबा बूटा सिंह ने रात को मामले की जानकारी वन विभाग के अधिकारी और थाना पुलिस को दी। इसके साथ ही अन्य सैकड़ों ग्रामीण भी मौके पर एकत्रित हो गए। करीब 12 बजे पहुंची थाना पुलिस और वन विभाग की टीम ने घर के मुख्य दरवाजे में फंसे मगरमच्छ को बाहर निकाला। इसके बाद वे छुटकर जंगल की ओर भागने लगा, लेकिन वन विभाग की टीम ने उसे घर के पास ही रेस्क्यू कर लिया और एक ट्रैक्टर ट्रॉली में लाद कर घर से दूर गंगा में छोड़ दिया। देखिए वन अधिकारी सुभाष चौधरी से मिली जानकारी। में एक मगरमच्छ आ गया था, किस तरीके से पकड़ा गया, कहां से आया था और उसको कहां छोड़ा गया? रात सूचना मिली थी 11 बजे के करीब, जो है मवाना तहसील के अंतर्गत हसनापुर रेंज के अंतर्गत फतेहपुर प्रेमपुर गाँव है, वहाँ पे किसान ने सूचित किया था रात के 11 बजे कि उसके घेर के पास जो है एक मगरमच्छ आ गया है। तो हमारी हसनापुर की समस्त टीम वन विभाग की उसको रेस्क्यू करने के लिए वहाँ पर गई, तो तभी वहाँ से वो निकल के सामने एक गन्ने के खेत में चला गया। गन्ने के खेत से करीब काफ़ी मशक्क़त के बाद 2:30 बजे उसको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उसे जो है पास में ही गंगा नदी बहती है, गंगा नदी में उसको जो है छोड़ दिया गया है। मौके पर उसके फोटोग्राफ्स लिए गए। तो आजकल बरसात सीजन के बाद जो है नहरों से नदियों से ये भटक के जो है आ जाते हैं, उस एरिया में रहते भी हैं। हसनापुर सेंचुरी क्षेत्र है जो कि वाइल्ड लाइफ का, तो उसमें रहते हैं। अभी के लिए इतना ही। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलेंटिस, यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ।